अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली गाइस वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है जी 6 सितंबर और मंडे का दिन है। और आज का व्लॉग हम वहीं आफ्ताब भाई के घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं और कल का व्लॉग के अंदर हमने एंड कर दिया था यहीं पे ही जिम के वापसी में आके, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा और अभी तक वो एडिटिंग नहीं हुई है। और आज का देखते हैं कि क्या सीन होता है और चलते हैं ऑफिस, सीधा ऑफिस जाके देखते हैं क्या क्या सीन और व्हाटएवर जो भी होता है सारा भी दिखाते हैं। आफ्ताब भाई का वेट कर रहे हैं, 9:20 हमें यहीं हो गए और निकलते हैं जल्दी जल्दी। आफ्ताब भाई की आज, आफ्ताब भाई कह रहे थे कि मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आज उनका एक्सप्रेशन देखते हैं कि आज वो वाकई कर रहे हैं या अभी बस छोड़ू लाल थे। तो बुलाते हैं उनको दोबारा। तो भाई जान सीन कुछ ऐसे हैं कि आज यहाँ पर फुल टाइम सन्नाटा हुआ, कोई बच्चा ना बच्चे की ज़्यादा हाँ जैसे खटपटी वाला आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन खामोशी है, चिल है, सुकून है पूरे एरिए के अंदर और मौसम वैसे ही नॉट बैड, ओके है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा मौसम अच्छा है, ओके है, नॉर्मली मौसम है। और मेरे आज कान बंद है, मुझे पता नहीं क्या सुनाई क्यों नहीं दे रहा, अक्सर भारी भारी नहीं हो जाते वैसे ही हुए हैं, कुछ भी भीं की ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी भी सारी मेरे कानों में जा रही है। आफ्ताब भाई का मैं बता रहा था कि आफ्ताब भाई भी आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आज आफ्ताब भाई का क्या सीन है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाईजान आफ्ताब भाई भी ब्लॉगिंग में आ रहे हैं और फिर उनके हम मज़े लिया करेंगे। जब मुझे कई लोगों ने ये कहा है कि ना तू ना अपनी ब्लॉगिंग जो तुमने स्टार्ट की है इसके अंदर चेंज कर, भाई मैं कैसे चेंज कर लूँ, मेरे पास है ही, मैं सुबह उठ घर से उठता हूँ और ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से शाम को आते हैं 6-7 बजे। अब चेंज किया अपनी लाइफ को कि जिम में ऐड कर दी है, जिम ऐड करी है, ये चेंज किया, अब इसके अलावा तो और मैं कर नहीं सकता, ऑफिस तो छोड़ नहीं सकता कि फैमिली को भी सिस्टम देखना होता है। मुझे सब ने ये कहा कि तू घुमा कर फिरा कर खाने बनाएगा, भाई खाने कैसे करूँ, मैं बाहर ऑफिस से फ्री होंगे तो 9 से 6 तो वहाँ होते और 6 से अब 7 से 8 हम जिम के होते हैं, जिम के बाद आगे 9 बजे घर और एडिटिंग भी करनी होती है, सोना भी होता है, ना नींद भी पूरी करनी होती है ताकि अगले दिन आगे ऑफिस में काम भी करें। तो भाई जान कॉन्टेंट तो यही होगा, हाँ इसमें देखेंगे इसमें कितनी हम बेहतरी कर सकते हैं, बाकी सीन्स ओके हैं भाई जान, ओके हैं, मोटिवेशन फुल है भाई को हर तरफ से एक्टिव है। टिकटॉक पे भी भाई जान आजकल तो फुल हैवी किस्म का सीन चलाया हुआ है, जाके विजिट करो वहाँ पे, मेरी टिकटॉक को भी लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी लाजमी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि न्यू चैनल ग्रो। और आफ्ताब भाई का वेट करो। सबसे मेन बात यह है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि मेरी क्या गलती है और किस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि मेरी वीडियोज़ भी अच्छी हों और आप लोगों को जो एंटरटेन करने के लिए कंटेंट मिले मुझे वो भी बेहतरीन हो जाए। मेरी गलतियाँ बताओ मुझे और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए वो भी मुझे बताओ, और वीडियो एडिटिंग के बारे में बताओ, क्लिप्स एडिटिंग और क्लिप्स के एंड के ऊपर जो मैं अक्सर मेरे देखता हूँ, मैं मुझे एक दो दोस्तों ने कहा कि तू क्लिप्स एंड से ही एडिट नहीं कर रहा, तो वो तो मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह और बेहतरी करते हैं और बिना झिझक होकर कमेंट करो किसी भी तरीके का, कोई बुरा नहीं, यानी कि मेरी इम्प्रूवमेंट मेरे भलाई के लिए, यानी कि आपके लिए भी है कि मैं भाई हूँ यार, आपको छोटा भाई हूँ, कहने के लिए बड़ा भाई हूँ। और लाजमी से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करो कि जो भी गलती है, आवाज़ मुझे पता है मेरे माइक इसका सही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी इम्प्रूव करते हैं, ये बड़ी मेन वजह है जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डाउन जा रही। और मुझे और चीज़ों के बारे में भी बताओ कि क्या गलती है, किस चीज़ के बारे में, ताकि मैं इम्प्रूव करूँ और हेलो बच्चे और मैं इसको इम्प्रूव करूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट। और भाई जान सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, संडे को हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा VIP बाहर जाऊँ, और लेकिन घर के काम भी होते हैं क्योंकि पूरा वीक है मैं ऑफिस में होता हूँ, ऑफिस और घर, और वीकेंड पे जो संडे की छुट्टी आती है उसके अंदर बस ये है कि घर के काम भी निपटाने होते हैं और घर की फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो मैं 9-10 बजे आता हूँ और 12 बजे तक बैठ के एडिटिंग करता हूँ, संडे को भी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। हम भाई जान कोई पूरे 15 से 20 मिनट हो गए इसके बाहर, घर के बाहर खड़े हुए, मुझे पूरे घर से आता है गेट खोल के, थोड़ा सा और गेट खोलता है फिर चला जाता है, फिर कहता है कि 2 मिनट आ रहा है, फिर कहता ये कर लो हम बाद में कर लेंगे, भाई तुम कर लो पहले। पूरे 15-20 मिनट हो गए इसके घर के बाहर खड़े हुए, गेट खोलता है थोड़ा सा और यहाँ आ जाता है, तो पता नहीं कितनी देर और वेट करना। चले बच्चे, मैंने कहा शायद सो गया आज, ये नींद ज़्यादा तो नहीं आ रही थी, चलो फिर चलाओ, 6 मिनट की राइड के लिए लेके चला जाता है, चलाओ फिर चला वीडियो बना के चला।
भाई जान मिलते हैं आपको ऑफिस जाके, आफ्ताब भाई ने आके मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर दी, मैंने कहा था इन पे हम चढ़ाई करेंगे, ये तो ऊपर हमारे चढ़ गए, चढ़ूंगा बांध बूंद के। चलो तब तुमने कल एक वादा किया था हमारे से। मेरा कोई वादा नहीं है। नहीं वादा अबे, इसके अलावा तुमने कहा था मैं कल से कुछ करूंगा। हाँ हाँ मैं करूंगा, मेरा बैग भी खाओ। मैंने भी पहुँच गए थे ऑफिस, ऑफिस आ गए, ऑफिस का काम शाम सारे निपटा लिया, आज हमने पहले निपटाए हैं, फिर हमने कहा जाके ब्लॉग बनाएंगे, हमें ब्लॉग नहीं क्योंकि ऑफिस की ना मेरी बड़ी लेट हो जाती है, अगर हम यहाँ पे आते ये सीन करें टीटो पार्टियाँ करें तो इस वजह से ऑफिस की मेल लेट होती है, तो हमने कहा आज पहले सारे ऑफिस के काम निपटाते हैं, डन करके आगे अपना और काम करते हैं। और वो कर लिए थे, बाहर आए हैं, अपने थोड़ी सी टिकटॉक वगैरह बनाई है, सस्ते काम भी करते हैं, सस्ते नशे भी चलते हैं अपने, और यूट्यूब पे बनेगा अपना ब्लॉग का भी थोड़ा सा, लोगों को बताएंगे हम सही सलामत अपने ऑफिस पहुँच गए हैं। और आज आपका हैदर आफ्ताब ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी भाई जान, आपको भाई को आपके भाई को देख देख के लोगों को बड़ी मोटिवेट हो रहे हैं लोग और ब्लॉगिंग के ऊपर आ रहे हैं। अल्लाह सबको कामयाब करे यार, हमें भी करे अल्लाह कामयाब। और लड़के वैसे मेरा हैदर जो हैदर भी दिखा रहा वो भी ब्लॉग के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और आफ्ताब भाई भी कहते हैं कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, जिस तरह तुम्हें बेहतर लगता करो। तो हम तो तुम्हारे साथ हैं, हमें हमारी गलतियाँ बताओ बाकी तुम भी करो। तो आज हैदर भाई के पास भी जाएंगे, उसने कहा कि यूट्यूबर का मेरा ना चैनल वगैरह बना के सब कुछ ओके करके दो, वीडियो सुबह से वो शूट कर रहा है अपने ब्लॉग की, और मीम शीम सारे उसको सेंड करनी और वीडियो करनी होती है, शाम को उसके पास भी जाएंगे, उसके ना यूट्यूब पे चैनल बनवाएंगे और उसकी वीडियो भी अपलोड करवाएंगे। और आफ्ताब भाई ने जो टॉपिक करवाई है वो उसके थोड़े से ना शिशकियाँ लगी, वो कहता है कि मुझे दूसरे किस्म का ब्लॉग बनाना। मैंने कहा भाई तेरे इस तरह इक्विपमेंट्स तेरे पूरे होने नहीं और तूने ब्लॉग नहीं बनाना, कोशिश कर स्टार्ट कर, हमने किया अल्लाह बस कामयाब करे। तो सबके लिए दुआएं यार दिलों से, हमारे तरफ भाई हैं सारे, करते हैं अपना ऑफिस का काम और मिलते हैं फिर। थक जाता यार आज। फाइनली भाई जान फ्री हो गए हैं अपने काम से, आज का काम बड़ा इजी था, ना कोई इतना ज़्यादा था ना इतना कम था, ओके सिस्टम था। और मुल्तान में बादल आज भी खड़े हुए, बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन धूप थी दिन में और बेहतरीन मौसम है, एंजॉय कर लिए, काम शाम से फ्री हो गए, नमाज़ पढ़ ली है, पढ़े 5 बजे बल्कि 5:45 हुए, और जाके बस अब क्लोजिंग करते हैं, मेल शेल करके घर निकलते हैं, नहीं घर सॉरी क्या अब निकलते हैं जिम, जिम जाके बॉडी शडी बनाते हैं थोड़ी सी, वहाँ जाके हैदर भाई के पास भी जाना है, हैदर भाई का भी आज अकाउंट का मसला हल करके देना, उनको भी डेली ब्लॉगिंग मिलकर आ रहे हैं, और देखते हैं क्या सीन है। काम से फ्री हो गए अपने क्लोजिंग करके, और मिलते हैं आफ्ताब भाई के साथ, और जल्दी से आफ्ताब भाई मिलते देखते जल्दी से जल्दी फ्री होते हैं। सो भाई जान फाइनली 7 बज गए और अभी तक ऑफिस में हैं स्टिल, और कर दिया ऑफिस से भी क्लोज कर दिया, और आफ्ताब भाई चले गए थे 6 बजे, उन्होंने आगे जाना था मॉल ऑफ मुल्तान, कोई चीज़ें खरीदनी थी तो जाना भी फैमिली के साथ था, उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मैंने कहा कोई मसला नहीं आप निकलो तो मैं क्लोज करता हूँ। और आज काम थोड़ा सा लास्ट में आगे बड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ना ज़्यादा काम हो जाता है समझा करो, और बॉस की तरफ से काम था वो कर दिया, ओके हो गया, फाइनल हो गया, कर दिया क्लोज, PCCC सारा कुछ क्लोज कर दिया और निकलते हैं। पूरे ऑफिस में कोई नहीं, सिर्फ एक ऑफिस बॉय नीचे वो बैठा हुआ, वो भी बार बार मुझे कह रहा आ जाए सर मैंने जाना है, मैंने कहा बस में आ गया, तो निकलते हैं यहाँ से फ़ौरन और देखते हैं जिम का क्या सीन है, वरना हैदर भाई के पास जा रहा हूँ, उनकी भी मुझे बार बार मिस कॉल आ रही है, तो पॉइंट निकल पहुँच के मिलते हैं वहीं पे आपसे। तो भाई जान आज यहीं से ही रेडी हो गए जिम के लिए, मैंने कहा यहीं पे ही रेडी होते हैं क्योंकि देर होगी आफ्ताब भाई को, तो वैसे नहीं जाना, मैंने कहा वहाँ पे जाके वैसे देर होगी तो इधर ही जाके बदलनी है, और बाइक निकालते हैं, निकलते हैं ऑफिस से और जिम करता हूँ हैदर भाई के वहाँ चलते। फाइनली पहुँच गए अपने जिम पे, आज हमारे अकेले ही जिम को, और आफ्ताब भाई हमारे साथ नहीं है और अकेले अकेले जा रहे हैं, आफ्ताब भाई को मिस कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ पके शिके करते रहते हैं और ब्लॉग बन जाते हैं अपना, आफ्ताब भाई नहीं आज अकेले के लिए बचत भी होगी क्योंकि वो हमारी बड़ी मदद करते हैं। तो मिलते हैं आप लोग फिर जिम,
पूरी जिम के अंदर भाईजान मैच वाला सीन लगा हुआ है। आवाम कहती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं सीन करती हूँ। तो मेरे सीन्स कुछ ऐसे हैं, बट भाईजान कोई टाइम नहीं देंगे, वाली गंदी गेम लगाई है। इसके बाद जाते हैं ट्रेडमिल की तरफ, जिम के अंदर मैच है, मैच के बाद निकलते हैं, भाई के पास भी जा रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, और चलते हैं भाईजान फाइनल में लगाते हैं अपने लास्ट गेम, और हमारा इसके ऊपर ही आगे लगाते हैं और चलते हैं। सुकून से बैठ के इधर मैच देख रहे हैं, निकलते हैं अपने सुकून से बर्दिश कर रहे थे। भाईजान बाहर का सीन ऐसा है कि 8 बज चुके हैं, इसके पीछे से भाईजान चलते हैं हैदर भाई के घर, और हैदर भाई का देखते हैं कि आज उन्होंने कैसा ब्लॉग बनाया, और आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं, और उनको बाकी गाइड करते हैं कि चैनल किस तरह बनाते हैं और किस तरह उसको प्रमोट करना है और किस तरह डिलीवर। तो लेडी सीन है, थक गया हूँ आफ्ताब भाई, भाईजान आज फुल टाइम गिल्ला होकर जा रहा था भाई, और आफ्ताब नहीं है तो आज भी अभी अपने मकसद अपनी पसंद की मैंने गिम लगाई है, और चलते हैं। फाइनली भाईजान सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हैदर भाई के घर आ गए हैं, हैदर भाई के घर लाइट नहीं है इस टाइम पर, और हैदर भाई को कॉल करते हैं कि भाईजान आ जाओ, मैं घर आ गया हूँ, और देखते हैं वो आते हैं और क्या रिस्पॉन्स है। तो कॉल करते हैं क्योंकि एक ही मोबाइल है, दो मोबाइल नहीं है, इसी मोबाइल से कॉल करूँगा, इसी से ब्लॉग बन रहा है। तो हैदर भाई को पहले कॉल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हैदर भाई को क्या, हैदर भाई को कॉल कर लिए, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, पर मैंने सोचा पानी लास्ट में ले गया ना, और जल्दी इसलिए भी आ गया क्योंकि बिल्कुल ही साथ ही 2-3 गलियाँ छोड़ गई हैदर भाई के घर के मेरी जिम है, जिम से हैदर भाई भी उसी में होते हैं, और इस वजह से हैदर 2-3 दिन से नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वजह है उसके पेपर चल रहे हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन करेगा 2-3 दिन के बाद, और अभी देखते हैं उसका क्या रिएक्शन। अभी अहमद भाई तो मुझे लग रहा है घर नहीं होंगे, लेकिन ट्राई करते हैं कि क्या पता अहमद भाई भी हमें मिल जाए। और खान साहब आ गए, बत्तियाँ जल रही हैं, देख रहे हैं भैया, देखते हैं इनके साथ क्या सीन है। भाईजान भाईजान, और भाई खान साहब क्या हाल है? भाईजान आपकी लाइट गई हुई है, मैं इतनी दूर से स्पेशल अपनी हेल्प भाई घुमा के लेके आया, आपने यहाँ पे दरियाए चनाब भी बनाया हुआ है, ये सारा पाकिस्तानी ये बासा वालों के कारनामे ना, बासा वालों से लड़ाई झगड़े, वो उन्होंने गटर बंद कर दिया, बासा वालों से लड़ाई उन्होंने गटर ही बंद कर दी, और हैदर भाई गेम मुल्तान गेम आज मैंने अकेले लगाई थी, मीठा होता है ना पानी, दो तरह का निकलता है, कैसा निकलता है, एक तो ये वाला पानी हो गया और दूसरा वो वाला पानी कह रहे हैं जो इंसान अपने जज्बात से खेल कर बना। और अहमद भाई क्या हाल है? ठीक हो, कैसे हो बच्चे? भाईजान हम बैठे हुए थे और अहमद भाई हमारी महफिल के बीच में फजूल में कूद पड़े हैं, मैं और हैदर भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, पानी पीने आया था, पानी पीने पानी पिलाओ भाई को, कुछ दिखाओ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके जावा, फिर खर्चा कर लिया, तू तो पागल तो नहीं है, ये घर दे दे, खैरियत है तुझे, फिर तूने पढ़ा जी, मैं 15,000 में दूसरा ले गया। वाह जी वाह, अहमद भाई आपकी मोहब्बत है हमारे लिए, अहमद भाई थैंक यू, आज आपको अगर परेड होती तो, अगर आज परेड होती तो आपको मैं तोप पे बिठा के उड़ा देता, सीरियस बता रहा हूँ मैं, आपकी बचत गई है कि तो परेड नहीं, ये आप शुक्र मनाओ ये शहबाज शरीफ का और सलाब जदगान वालों का,
क्या ग्रेट नहीं हुई, वरना तोप पे बिठा के आपको उड़ा देना था जो आपने बाल पे पल रहे हैं। नहीं यार मजाक करते, जमीन दोज कर दो सारा, जमीन दोज नहीं आपको गटर दोज कर दूंगा। लोगों पर जमीन दोज करते हैं, आपको गटर दोज कर दूंगा, खत्म। आपको गटर खोल के उसमें बंद करके डाल दें, ऊपर से दो तीन टैंक गुजार देंगे ताकि निकल नहीं सके। और अहमद भाई आपका वो कारोबार कैसे चल रहा है, कितने गटर खोल लिए? कौन कौन से लोगों खोलने का काम होता है, इनका बंद करने का है। इसका बताओ क्या काम है इसका, है लोगों के गटर जाके खराब हो, ताकि हमारा भी कोई काम नहीं करे लोगों से दिहाड़ी। रात को 2 बजे आके लोगों के गटरों में चीजें डाल के छापर डाल दे, छापर ना हम गट्टू के छापर के अंदर डाल के अंदर गटरों के अंदर खुलते भी नहीं ना। हम कितनी गटरों गटरी वाली बातें कर रहे हैं यार, कोई बातें करो। लेकिन यार अगर तुझे मैं सही कहता हूँ, ब्रांड एंबेसडर है तू मुल्तान का, अच्छी खासी आईफोन खरीद रहा था, तूने कहा गटर पे ला के हमारी बात मुका ली। मैं तो कह रहा कि कुछ अर्सा अगर हम पूरा न्यू मुल्तान का ठेका ले लें, दो हफ्ते लगा लो आईफोन। अच्छा इधर का जो चेयरमैन है उसको उसे टपा दो, ये महीने आपको काम का एक्सपीरियंस हो जाए, आप इमरान खान तक पहुंचा देंगे। होए होए मां ये गटर जाना जाना पड़ेगा, गटरों गटरी मुझे लगा। हां जी अंडरग्राउंड यार, अंडरग्राउंड लगेंगे ना लगे बंदे। ओके आफताब जी, कल इंशाल्लाह कंफर्म है तू है ना, कल नहीं पता कि उधर से पैसे आने जैसे। तो भाईजान हैदर भाई को कर दिया अलविदा और हम भी चलते हैं अपने घर। आगे हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग को लाजमी से शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।